नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज की एक और खास खबर में। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में छात्र संघ चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की गई है, जिसके चलते नैनीताल में 2 नवंबर 2023 को नामांकन पत्रों की बिक्री, 3 नवंबर को नामांकन, 4 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच, 4 नवंबर को ही नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया होगी। इसके अलावा 6 नवंबर को छात्रों की आम सभा, 7 नवंबर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा। मतदान की गिनती, चुनाव परिणाम और शपथ ग्रहण भी 7 नवंबर 2023 को कराया जाएगा। इस दौरान मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि ये प्रक्रिया लिंग दोह समिति की सभी सिफारिशों के आधार पर होगा। वहीं हल्द्वानी का MBPG कॉलेज छात्र संघ चुनाव के नाम पर अराजकता का अड्डा बन गया है। पुलिस और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। लिंग दोह समिति की नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं है। दरअसल कुमाऊं के सबसे बड़े कॉलेज MBPG कॉलेज में छात्र संघ चुनाव की तिथि आते ही सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने दम खम दिखाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते आज कॉलेज परिसर में ढोल नगाड़े और DJ के साथ विश्वविद्यालय प्रतिनिधि, छात्र उपाध्यक्ष और सचिव पद के उम्मीदवारों ने अपने अपने समर्थकों के साथ कॉलेज परिसर में अपना अपना दमखम दिखाया। साथ ही सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा भी किया। हम सूर्य भैया को जिताया, इन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया है। हमारा जब एडमिशन हुआ था, इन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया, इसलिए हम सूर्य भैया को जिताना चाहते हैं। किसे देख रहा हूँ, बीते कई वर्षों से NSI की स्थिति कॉलेज में इतनी कोई अच्छी नहीं थी। मैं चाहता हूँ इस साल NSI कॉलेज में भारी बहुमत से चुनाव जीते और हमारे जितने तादाद में यहाँ पे हमारे समर्थन आए, हमारे कार्यकर्ता हैं, इन सभी का यही उद्देश्य है कि हमारी NSI इस साल कॉलेज में कितने सालों के बाद जीते और विजय हासिल करे। और हमारे कॉलेज में जितने भी कार्यों के लिए जो अन्य संगठन हमारे लिए हमारे विपक्ष में खड़े हुए हैं, जो कार्य नहीं करा पा रहे NSI, वो कार्य कराने का जिम्मा उठाएगी और मैं ये जिम्मा उठाऊंगा। सारे मेरे दोस्तों, बड़े बड़े भाई लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। शुरू से प्यार मिल रहा है मुझे, जिस क्षेत्र में आ रहा हूँ वहाँ से प्यार मिल रहा है, सब जान रहे हैं, तो धन्यवाद उन चीज़ों के लिए। बाकी एक मिनट पूछेंगे। मैं कमलपुरा की छोटी बहन हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई भारी मतों से जीते। मैं कमलपुरा की छोटी बहन भूमिका, मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई भारी मतों से जीते। इतनी भीड़ हमें आज जितनी दिखाई दी है, उससे भी ज़्यादा वोट मेरे भाई को पड़े। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ आप लोगों से। भैया, आज हम MBPG कॉलेज के NUCI से UR प्रत्याशी, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि प्रत्याशी, छोटे भाई सुजय सचिन के उसमें हम रैली में हम यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं, जिसमें हमने पूर्ण रूप से उनका समर्थन किया है और सभी लोगों का प्यार सुजय सचिन के साथ है। मैं पिछले 3-4 वर्षों से देखते आ रही हूँ कि उन्होंने कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए जो कार्य किए हैं, वो मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि कभी कभी वो छात्र छात्राओं के हितों के कार्यों के लिए मेरे पास भी आ जाया करते हैं। तो मैं यहाँ छात्र छात्राओं, कॉलेज के सभी छात्र छात्राओं से निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि अपना फुल सपोर्ट और प्यार करें और उन्हें भरपूर वोट से विजयी बनाएं। धन्यवाद। तो ये थी हल्द्वानी समय संवाददाता दीपक अधिकारी की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।